हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ जय मसीह की। और मेरा विश्वास है आप सब जन मसीह में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। और विशाल रामदास ये चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और आपको पता होगा जो ये ब्रदर है जिसका स्वागत किया जा रहा है, जिन्हें फूलों के साथ जिनके हार पहनाए जा रहे हैं। आपको पता ही है कि एमकेनिस्ट्री के प्रेजिडेंट हमारे ब्रदर जितेंद्र मसीह गौरव जी है, जो कि अमृतसर के चर्च, जो कि सतनाम भट्टी जी की चर्च में, जो कि सच का वचन परमेश्वर के जो कि चर्च का नाम है, उस चर्च में जाकर बहुत ज़्यादा इन्होंने परमेश्वर की महिमा की, आराधना की, क्योंकि इन्हें बहुत ही ज़्यादा खास तरीके से वहाँ इनवाइट किया जाता है। और आपको पता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर के नाम में क्रूसर होता है, जहाँ कहीं मीटिंग होती है। और आपको पता है जो कि एक्शन ग्लोबल कमेटी के भी हमारे ये ब्रदर प्रधान है, और इस रीति से इन्हें हर एक जगह पर इन्वाइट किया जाता है, इनका सम्मान किया जाता, आदर किया जाता, और बहुत ज़्यादा लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये परमेश्वर में कितनी अच्छी सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, और बहुत ज़्यादा सेवा जो परमेश्वर में करते हैं। और अलग अलग तरीके से आपको पता है ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे आते हैं, लोगों की हेल्प के लिए। किसी भी जन को अगर कोई हेल्प की लोड होती है, किसी गरीब जन को, किसी परमेश्वर के जो कि विरोधी हैं, जो कि लोगों को सताते हैं, उस रीति से ये हर एक वजह से ये लोगों की हेल्प के लिए आगे आते हैं। हालेलुया। और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे ब्रदर जो कि जितेंद्र मसीह गौरव जी को परमेश्वर ने इतने इतने बड़ा सम्मान दिया, परमेश्वर ने इतनी अच्छी सेवकाई इनसे ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, और लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो कि कल ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की बैठक अध्यक्ष श्री जितेंद्र मसीह गौरव जी के नेतृत्व में सच दा वचन मिनिस्ट्री चर्च दुबुजी अमृतसर में आयोजित की गई, जिसमें मसीह समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए श्री जितेंद्र मसीह गौरव जी ने कहा कि ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी का उद्देश्य पास्टर जो मंडली के सामने आने वाली समस्या को दूर करना और मसीहा के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ना है। इस अवसर पर सच्चिदा वचन चर्च के मुख्य सेवक पास्टर सतनाम भट्टी जी को सर्वसम्मति, मुख्य सेवक पास्टर सतनाम भट्टी जी को सर्वशक्ति से अमृतसर जिले की ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के विंग का उद्देश्य नियुक्त किया गया। कमेटी के पास्टर जती नदी जलंधर अध्यक्ष श्री लुकस मसीह जी, पास्टर बहन अमनदीप जी, श्री रोहित मसीह और समिति के कई अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित समिति की ओर से अतिथियों का सम्मान भी किया गया। हालेलुया। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारे जो ब्रदर हैं जो कि गौरव मसीह जी, जो कि इन्हें वहाँ पर इन्वाइट किया गया क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की ओर से, जो कि द चर्च ऑफ जो कि सच का वचन जो कि चर्च है, वहाँ के पास्टर जो कि मुख्य पास्टर जहाँ वो जो भी उस चर्च में सेवकाई करते हैं, सतना भट्टी जी के द्वारा उन्हें इन्वाइट किया गया। और हमारे ब्रदर जितेंद्र मसीह गौरव जी ने वहाँ पर स्पीच देते हुए, वहाँ पर लोगों को बताते हुए बताया कि जो कि हमारे स्पीचर फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नोया जी के द्वारा, जो कि परमेश्वर के विजन के द्वारा उनके द्वारा जो कि ये टीम बनाई गई है, जो कि क्रिश्चियन एक्शन ग्लोबल की टीम, इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो कि मसीह विरोधी हैं, जो कि मसीह के खिलाफ बोलते हैं, मसीह के दासों के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर के चुने हुए दासों के खिलाफ बोलते हैं, विरोधता के आगे आते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ का सामना करने के लिए जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोया जी ने इस टीम को नियुक्त किया। और बहुत ही खुशी की बात है कि जो कि दुबुजी की चर्च, जो कि सच का वचन, जो कि पास्टर सतनाम भट्टी जी को ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी का जो कि प्रधान नियुक्त किया गया अमृतसर का। हालेलुया। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और आपको पता है कि हर एक जगह पर और अलग अलग जिलों में जाकर जो कि इस ग्लोबल एक्शन कमेटी के अलग अलग प्रधानों को नियुक्त किया जाता कि वो इस चीज़ को संभाले, और कोई भी इन्हें मुसीबत आई, कोई भी इन्हें जिले की, कोई भी इनके जिले को जो कोई भी इनकी विरोधता में आगे आए तो इनका सामना
ना कर सके। हालेलुया। और ये खुशी की बात है क्योंकि परमेश्वर जानता था कि आने वाले समय में किन किन चीज़ों को उनके उसके लोगों को सामना करना पड़ता है, इसलिए परमेश्वर पहले ही अपने दास के ऊपर जाहिर करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बयान करता कि परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर किए बिना कोई भी काम नहीं करता। इसी रीति से ये पहले ही परमेश्वर ने हमारे स्पिरिचुअल फादर को बता दिया था कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विरोधी जो कि परमेश्वर के खिलाफ बोलेंगे, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलेंगे, और उनका सामना करने के लिए हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरानी ने जो कि ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की नियुक्ति की और इस ग्लोबल एक्शन कमेटी को चलाया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। परमेश्वर में आनंदित रहें, खुश रहें, परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने हमें इतने इतने अच्छे जोड़े दिए हैं, परमेश्वर ने हमें इतने इतने अच्छे हमारे स्पिरिचुअल ब्रदर स्पिरिचुअल सिस्टर दिए जो कि परमेश्वर में इतने इतने बड़े काम कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, हमारी हेल्प के लिए वो हमेशा आगे होते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रेरणा इनसे मिलती है कि परमेश्वर इन्हें चुनकर बहुत बड़े बड़े काम जो कि ले रहा है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में खुश रहें, आनंदित रहें। आमीन।